स्टूडेंट्स, फिजिक्स शिक्षा ऐप में आपका स्वागत है। आज हम फिर से क्या पढ़ेंगे? कविता। और मैंने क्या बताया था, कविता को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पोयम। एंड उसका अदर नेम क्या है? राइम्स। ठीक है, तो चलिए आज कौन सी कविता पढ़ेंगे आप पहले गैस कीजिएगा। ठीक है, हम मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगी और आप उसको क्या करेंगे, गैस करेंगे कि हम किसके बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये पिक्चर देखिए और बताइए कि हम किसके बारे में पढ़ सकते हैं आज। वेरी गुड, मुर्गे के बारे में, है ना। मुर्गे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कॉक। और मुर्गी को क्या बोलते हैं? हैन। ठीक है, तो इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? मुर्गे की बान। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं हम आज? मुर्गे की बान, मतलब कि वो कैसे क्या करता है, बान करता है। आपने सुना होगा ना कि मुर्गा सुबह सुबह क्या करता है, आवाज़ लगाता है। बान मतलब क्या? आवाज़ देना। वो सुबह ही से क्या करता है, आवाज़ देता है और क्या करता है, सबको उठाता है ना। तो चलिए इसके बारे में हम क्या करेंगे, सबसे पहले पोयम को एक बार रीड करेंगे, फिर उसको समझेंगे, फिर से उसको क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। ओके, चलिए सबसे पहले क्या है आपका? रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। एक काम करते हैं, इसको एक बार और रिपीट करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा जितने भी आपने पोएम्स पढ़े हैं उसमें थोड़ा सा ये लेंथी है। ठीक है, तो चलिए एक बार इसको और रिपीट करते हैं। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। ओके, आई होप कि आपको एक एक वर्ड अब अच्छे से क्लियर है। तो चलिए इसको क्या करते हैं, एक बार समझते हैं कि आखिर में पोएट है ना, पोएट किसको बोलते हैं जो ये पोयम को लिखा है। तो पोएट क्या बोलना चाह रहा है आप लोगों को, वो समझते हैं। तो सबसे पहले क्या बोल रहे हैं, पहला लाइन क्या बोल रहा है? रात गई, है ना, मतलब कि क्या हो रहा है आपका, जो हमको तो पता है कि रात और सुबह होता है, तो रात क्या है, चली गई है, और सुबह आई। और जैसे ही क्या होता है, रात को हम सोते हैं और जैसे ही सुबह आती है तो क्या हम होता है आपका, सूरज उगता है, है ना। तो सूरज उगा मतलब क्या है कि सुबह आ गई है और हमको क्या करना है, उठना है। आसमान में लाली छाई, ठीक है, आपने कभी उगता हुआ सूरज देखा है? जब वो उगता रहता है ना, तो जितने भी आसमान आपको अभी नीले नीले दिखाई देते हैं, जब सूरज उगता है तो वो कैसा हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है। इसलिए इसमें पॉइंट क्या बोल रहे हैं, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे। अब क्या बोल रहे हैं, जितने भी जो चांद और सितारे हैं वो सारे कहाँ गए हैं, छिप गए हैं। क्यों छिपे हैं, क्योंकि हमको तो तारे कब दिखते हैं आसमान में, जब रात होती है तब, है ना, वो कैसे टिमटिमाते रहते हैं, लेकिन जैसे ही सुबह होती है, सूरज निकलता है, तो तारे क्या हो जाते हैं, छिप जाते हैं। तो वही पॉइंट आपको बताना चाह रहे हैं। मुर्गे ने तब बान लगाई, फिर बोल रहे हैं कि क्या हो गई है, रात चले गई है, सुबह आ गई है, आसमान में क्या हो गया है, लाली छा गई है। ठीक है, जितने चांद सितारे हैं वो सारे छुप गए हैं। और आपका क्या है, जब फिर मुर्गे को पता चलता है कि अब तो सुबह हो गई है, तो वो क्या करता है, बांग लगाई, है ना। बान मतलब क्या होता है, आवाज़, आवाज़ लगाते हैं। और बोला, और क्या बोलता है मुर्गा, सुबह हुई अब जागो, है ना, क्या बोल रहा है सभी को कि अब सुबह हो गई है, अब तुम लोग क्या करो, जग जाओ और उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। और चुपचाप से उठ जाओ, है ना, और बैठ जाओ, और जो बिस्तर में आप लोग ऐसे रजाई लेके सोए हुए हो उसको त्याग दो। ठीक है, आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि पॉइंट आपसे क्या बोलना चाह रहा है, कि जल्दी से रात को सोना है, सुबह उठना है। ठीक है, उठाने के लिए, उठने के लिए अभी हम लोग क्या यूज़ करते हैं, अलार्म क्लॉक। लेकिन गांव में कौन आपका आवाज़ देता है, है ना, मुर्गा। मुर्गा क्या करता है, आवाज़ देता है, जिससे गांव के सारे व्यक्ति क्या होते हैं, जग जाते हैं, है ना। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, रिपीट करेंगे। मैं आप बोलूँगी, आप मेरे साथ क्या करोगे, रिपीट। वेरी गुड, तो चलिए बोलते हैं। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, थोड़ा स्लो,
ओके। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, एक बार और रिपीट करते हैं, ठीक है। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बांग लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, आप तो मेरे साथ अच्छे से बोल रहे हैं। तो हम फिर से क्या करेंगे, प्रैक्टिस, क्योंकि हम जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको उतने अच्छे से क्या होगा, पोयम लर्न, ठीक है। तो चलिए वन मोर टाइम। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो, है ना। वेरी गुड, वन मोर टाइम। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, वन मोर टाइम। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, ठीक है। देखो यहाँ पर कैसे आपको जो सन है ना, सूरज को क्या बोलते हैं, सन, तो सन भी कैसे आपका मुस्कुरा रहा है जब क्या हो रहा है, मुर्गा बांग दे रहा है ना। बांग वो कैसे देता है आपको पता है, कुकड़ुकू कुकड़ुकू, है ना, ये ऐसे ही चिल्लाता है ना। फिर सारे क्या होते हैं, जो व्यक्ति हैं, जो भी सो रहे हैं, वो क्या होते हैं, जग जाते हैं उसकी आवाज़ सुन के, ठीक है। तो मुर्गा कैसे आवाज़ निकालता है, चलिए बताइए। वेरी गुड, कैसे आवाज़ निकालते हैं, कुकड़ुकू कुकड़ुकू। वेरी गुड, चलिए तो एक बार और रिपीट करते हैं। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, चलिए एक बार और रिपीट करते हैं। रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, आपको तो आई होप अच्छे से आप रिपीट कर रहे हैं मेरे साथ, लेकिन एक बार और क्या करेंगे हम, फिर से रिपीट, ठीक है। चलिए, रात गई और सुबह आई, आसमान में लाली छाई, चांद सितारे छिप गए सारे, मुर्गे ने तब बान लगाई। बोला सुबह हुई अब जागो, उठकर बैठो बिस्तर त्यागो। वेरी गुड, तो अब इस पोयम से हमने क्या सीखा है कि हमको जल्दी से सोना है, सुबह जल्दी उठना है, है ना। जब आप उठता होगा, सूरज देखोगे तो आसमान क्या हो जाता है, लाल कलर का हो जाता है, तब मुर्गे को पता चलता है कि क्या हो गई है, सुबह हो गई है। और सुबह को वो क्या करता है, बान लगाता है और सबको क्या करता है, जगाने का काम करता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये पोयम बहुत अच्छे से क्लियर है, लेकिन आपको क्या करना है, घर में इसको और क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। आप जितना अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे आप उतने अच्छे से ही क्या कर पाएंगे, इसको बोल पाएंगे, है ना। और फिर क्या करना है, अपने पेरेंट्स से भी शेयर करना है, टीचर से भी शेयर करना है, और अपने दोस्तों से भी शेयर करना है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।